नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज मंगलवार के दिन, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1,822 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जो सिल्वर है वो भी $22.9 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। सिल्वर के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, वहीं जो गोल्ड है वो कल के मुकाबले हल्का सा बढ़ता नजर आया है। जो लेवल्स हैं वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे लेवल्स हैं, ना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है ना ही ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले जो भाव टूटते नज़र आए थे 3 से 4 हफ्ते पहले, अब उनके मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए अब वर्तमान की कीमतों का, तो अब जो वर्तमान की जो कीमतें हैं अब वो थोड़ी बेहतर बनती नज़र आई हैं। आपको बता दें कि जो गोल्ड है $1,822 पर है और जो सिल्वर है $22.9 पर है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, और उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं और जो तनाव देखने को मिल रहे हैं भूराजनीतिक, इन सब की वजह से, उसकी वजह से जो प्रेशियस मेटल्स हैं यानी गोल्ड और सिल्वर हैं उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी बनती निकलती नज़र आई है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि डॉलर तेज होने की वजह से, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स तेज होने की वजह से डॉलर फिसलता नज़र आया था। अब की बात करें तो अब जो गोल्ड सिल्वर हैं थोड़े बढ़ते नज़र आए हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे में भी बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए, और गोल्ड जो है 48,200 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 48,500 तक इसकी रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी अपसाइड मोमेंटम कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है। आज अभी घरेलू बाजारों में देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है सिल्वर के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे में 61,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और ऊपर में 62,500 तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी बाइंग करके चला जा सकता है। सोने के लिए 48,500 का टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो वहीं चांदी की बात करें तो 62,500 तक के स्तरों के लिए इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, ये जरूर जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज कुछ करेक्शन बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है आज कच्चे तेल में कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है? देखिए, हल्की करेक्शन जरूर बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि लगातार हमने अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है और बाजार ऊपरी स्तरों पर लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिया, और $90 के ऊपर अभी भी कच्चा तेल सस्टेन है। WTI ब्रेंट जो है वो $92 के, और WTI $91 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। हल्की करेक्शन, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। तो इंट्राडे में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखाई दे, क्रूड नीचे में एक बार हो सकता है 6780 तक गिरता हुआ नजर आए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 6880 तक की रेंज आज इंट्राडे में अपसाइड में देखने को मिल सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स में कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है? मंदा रहेगा, तेजा रहेगा, तेजी रहेगी, कैसा रह सकता है रुझान? बेस मेटल में आज तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आज बेस मेटल में भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। निकल की जो रेंज है वो 1760 से लेकर 1780 फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऊपर की कैप जो है 1820 तक एक बार अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर काफी सीमित दायरे में एक्सपेक्टेड है, 748 से लेकर ऊपर में 758 से 762 की रेंज आज इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें हम जिंक की, तो जिंक में अच्छी खासी तेजी आई है, और जिंक जो है अभी ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार 305 तक की तेजी दिखा सकता है, यानी 1.5 से 2 रुपए की तेजी आज इंट्राडे में जिंक के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बेस मेटल्स के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर बेस मेटल्स में बाइंग करके चलना चाहिए, इसमें तेजी का रुझान बना रह सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स में आज निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है, बाइंग करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।